अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विपक्षी डेमोक्रेट को बहुमत हासिल हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने रिपब्लिकन की 13 सीटें अपने कब्जे में कर ली है। वहीं दूसरी ओर सीनेट में रिपब्लिकन अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। अमेरिका में सीनेट की 35 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव पर सभी की नजरें टिकी थीं। माना जा रहा था कि ट्रंप की नीति के खिलाफ उठ रही आवाजों का इस चुनाव में असर देखने को मिलेगा, और हुआ भी वैसा ही। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन को अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के कब्जे वाली 13 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें कंसास सिटी, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, मिनेपोलिस और मियामी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को मिली जीत 2011 की तरह है। तब बराक ओबामा की अगुवाई में डेमोक्रेट्स ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया था। इस चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने जीत का परचम लहराया है। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ने से अब वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन, उनके व्यक्तिगत खर्च, होटल, गोल्फ कोर्स और अन्य बिजनेस की जांच करा सकते हैं। यही नहीं, अब ट्रंप अपनी मर्जी से फैसला भी नहीं ले पाएंगे। जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स को झटका लगा है, तो वहीं सीनेट में उन्हें राहत मिली है। सीनेट में रिपब्लिकन्स ने अपना कब्जा बरकरार रखा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए करीब 89 महिलाएं चुनी गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मौजूदा रिकॉर्ड 84 महिलाओं का था। चुनाव जीतने वाली महिलाओं में 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की इल्हान उमर और राशिदा तालिब ने पहली बार कांग्रेस में जगह बनाई है। मध्यावधि चुनाव को 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुँचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।